अपने उद्बोधन से लाभान्वित करवाए श्रीमान ओमेदाराम जी बनियाल सर। बोले गंगा जी महाराज की, तेजाजी महाराज की, सत्य श्री खेमा बाबा की, राम सा पीर की। आज एक शाम सत्यवीर तेजाजी के नाम विशाल तम भजन संध्या के अंदर पधारे हुए आज के हमारे मार्गदर्शक सनातन जी महाराज, आरती जी, समस्त भजन मंडली, शिवपुरी जी और हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी डेलू साहब, रत्नाराम जी सरपंच, जालाराम जी, खेताराम जी, बैर जी, समस्त सम्मानित मंच और समस्त आयोजनकर्ता इस शानदार जानदार दिव्य और भव्य प्रोग्राम के आयोजनकर्ता समस्त टीम और सभी भामाशाहगण और मेरे पिता जुलिए बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और मेरी तरफ आप सब ने घड़ा घड़ा राम राम सर। आज का दिन एक सुनहरा पल है कि अपने क्षेत्र के अंदर वीर तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। हम सभी तेजाजी महाराज से आराधना करते हैं, हमारे आराध्य देव हैं, तो तेजाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। तेजाजी महाराज की कृपा से किसान खुशहाल हो, युवाओं को रोजगार मिले, काम धंधा करने वाले उद्योगपति या बिजनेसमैन उनका धंधा दिन दुगुना और रात चौगुना तेजाजी महाराज की कृपा से सबका चलता रहे, यही मैं तेजाजी महाराज से विनती करता हूँ। और दूसरी बात, अभी चुनावी माहौल है तो आप सबसे एक विनम्र अपील कर रहा हूँ कि आप अपना आपसी भाईचारा कायम रखें, किसी भी छोटी मोटी चीज के ऊपर आप विवाद नहीं करें, वाहन धीरे चलाएं, अपनी सुरक्षा पहले है, जोश के अंदर होश न खोएं और सावधानी से चलाएं, क्योंकि जिंदगी अमोल है और ये बार बार नहीं मिलती। भाइयों, चुनाव के माहौल के अंदर बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, बहुत खिसातानी होगी, तनाव होगा, लेकिन मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि आप संयम रखें और आपके दिल के अंदर जो अच्छा लगे उसी को ही वोट करें। बाकी ये कोई राजनीति मंच नहीं है, भव्य जागरण का प्रोग्राम है और इसी तरीके के अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए वीर तेजाजी के आदर्श उनके पदचिन्हों पर हम सभी चले, उनके बताए हुए रास्तों पर चले। अभी सनातन जी महाराज ने हमें बहुत कुछ बताया, उनकी बताई हुई बातों का अपन पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर अपना जीवन सफल होगा, अपनी जिंदगी सफल होगी। और सरों के जो रास्ते बताते हैं, जो जन्म मरण के झंझट से मुक्ति मिलती है, वो वाकई इन संतों के मार्गदर्शन से ही मिलती है। और धर्म के प्रति आस्था भी होनी चाहिए और ये आस्था का केंद्र है, इनसे मन की शांति मिलती है और अपन अपनी जिंदगी के अंदर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का हमें मार्ग प्रस्त होता है। इस मौके पर मैं सभी मेरे युवा साथियों से, बुजुर्गों से यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय एजुकेशन का समय है। आज से 20 साल पहले जो टाइम था, अपन कभी ने सोचा नहीं था कि आज आने वाले 20 साल बाद में ऐसा टाइम आएगा। जिस प्रकार एक मोबाइल ने
कितना बदलाव कर दिया। आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि मोबाइल से इतनी चीजें संभव हो जाएगी। घड़ी इसने ले ली, टेलीविजन ले लिया, कैलकुलेटर ले लिया, ना जाने कितनी कितनी चीजें एक सिर्फ मोबाइल के अंदर समा गई। वैसे ही आने वाला समय और ज्यादा टेक्नोलॉजी का है, और ज्यादा तकनीकी का है। जिस प्रकार हम 20-25 साल पहले ये कल्पना नहीं कर रहे थे, वैसे ही आने वाले 25 साल में क्या होगा वो भी अपने को पता नहीं है। लेकिन उन सब उस समय के लिए तैयार रहने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इस मौके पर आए हुए सभी मेरे पिता दिल्ली बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों और पढ़ने वाले बच्चों, इन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के प्रति आप पूरा पूरा ध्यान दें। जिस प्रकार धार्मिक प्रोग्रामों के अंदर अपन बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपने स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए अधिक से अधिक सुविधा कैसे कर सकें उसकी तरफ ध्यान दें। क्योंकि आने वाला समय तकनीकी का है, आने वाला समय एजुकेशन का है। अगर समय के साथ में अपन नहीं चलेंगे तो समय अपने को, जमाना अपने को पीछे छोड़ देगा। आप सभी ने आप इस जागरण के अंदर पधारे, बड़ी संख्या में पधारे, बढ़िया बढ़िया आपने भजन सुने, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तेजाजी महाराज की। और बंकाराम जी और मंदिर कमेटी की इच्छा भी है कि इस मंदिर के अंदर कुछ सहयोग करें, तो अगले महीने आप बता देना कितनी राशि सहयोग करनी है। आपकी इच्छा अनुसार बड़ी राशि सहयोग करेंगे। जो अभी तक जो बोलियां बोली है उससे बड़ी बोली आप तय करके बता देना, उतना हम कर देंगे। अभी मेरी मजबूरी है, मैं राशि नहीं बता सकता, और मेरे ऊपर विश्वास रखना, मैं आपके विश्वास के साथ धोखा नहीं करूंगा। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। उमेदा राम जी ने कहा ठीक उसी प्रकार संदेश है। बाला राम जी मूल साहब का भी आचार संहिता लगी हुई है। आप जितना धनराशि अठेरा कमेटी आप कोला जड़ी ओड़ी बाला राम जी और आवेला वरली जोरदार तालियों। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। लीजिए अगला भजन बही नागर जी का, और निवेदन रहेगा डांसर राजल से कि भी आप भी तैयार रहे। राजल से पहले मैं दो लिस्ट पढ़ लेता हूं। 551 रुपए